भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और हमारे सहयोगी पल पल की कवरेज कर रहे हैं लगातार। आज देर बाद इन्हें बढ़ते आगे कोटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिटी मॉल फन सिनेमा के सामने पठान मूवी के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिल्म के पोस्टर जलाए। बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक योगेश रनवाल ने कहा कि हिंदू समाज को अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर बॉलीवुड के निर्माता और एक्टर ऐसे काम करते हैं। योगेश रनवाल ने सिनेमाघरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो पठान फिल्म को ना खरीदें और ना ही अपने सिनेमाघरों में लगने दें। हम कोटा में इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। साथ ही सरकार से भी अपील करते हैं कि इस फिल्म को बैन करें। पठान फिल्म को लेकर विवाद, ये प्रदर्शन और प्रदर्शन की ये तस्वीरें। हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। हिमांशु, किस तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस आधार पर ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किस तरीके की चीज है कोटा में? देखिए, पठान मूवी को लेकर के अलग अलग जगहों से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। विरोध की तस्वीरें कोटा से हैं, जहां पर बजरंग दल सड़क पर आ गया और सड़क पर आने के साथ में फिल्म पठान के जो पोस्टर्स हैं उनको सड़क से निकाल करके जो अलग अलग जगहों पर मूवी के प्रमोशंस को लेकर के पोस्टर्स लगे हुए थे उनको निकाल करके जो उनकी होली है उनको आग के हवाले करते हुए ये तमाम बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आए और इन सब के साथ में जो फिल्म के खिलाफ जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आए और इन सब के साथ में चेतावनी जो कोटा के तमाम सिनेमाघर हैं उन्हें दी है कि अगर ये मूवी अगर इन सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो सिनेमाघरों के नक्शे बदल देंगे। किसी भी सूरत में बजरंग दल जो फिल्म का संचालन है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मूवी को लेकर के पहले ही एक बड़ी चेतावनी बजरंग दल ने दे दी है और इन सबके साथ में जो बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक योगेश रनवाल है उन्होंने कहा है कि इस पूरी मूवी में हिंदू समाज को अपमानित करने और नीचा दिखाने जैसे तथ्य रखे गए हैं जिसको लेकर के जो बजरंग दल है वो पूरी तरह से आहत है और इसी के साथ में अपना जो विरोध है वो सड़क पर आकर के जता रहा है। राज्य सरकार से मांग की है कि इस फिल्म को राजस्थान में बैन कर दिया जाए। फिल्म को लेकर के आर्थिक नुकसान अगर होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या बनाना चाहिए क्या नहीं और ऐसे में कुल मिलाकर के जो है वो स्पष्ट चेतावनी बजरंग दल की तरफ से बजरंग दल के पदाधिकारियों की तरफ से कि इस पूरी जो फिल्म है उससे कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे समुदाय का जो जो भावनाएं है वो आहत हो रही है और ऐसे में ये होने नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह से कोटा के किसी भी सिनेमा घर में इस फिल्म का जो प्रदर्शन है वो नहीं होने दिया जाएगा। अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी सिनेमा घरों की होगी। इस तरह की जो स्पष्ट चेतावनी है वो भी बजरंग दल के पदाधिकारियों की तरफ से दी गई है। बहुत शुक्रिया हिमांशु इन तमाम जानकारियों के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।